हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मदर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग, जैसा कि कल आप लोगों को पता होगा कि हम लोग झारखंड की अब तक की जितने भी योजनाएं हैं सभी को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे, झारखंड राज्य की प्रमुख नदियों की सिंचाई क्षमता, जो कि झारखंड सरकार के वेबसाइट में कुछ इसी तरह से मेंशन किया हुआ था। लास्ट इसका जो डेटा अपडेट हुआ है वो 2019 में ही अपडेट हुआ है, उसके बाद और अपडेट नहीं हुआ है। तो शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं। झारखंड के आगामी जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, जैसे JPSC और जो बच्चे JSSC CGL का फॉर्म भरे हैं, वो पूर्ण रूप से इस चैनल पर झारखंड GK और मैथ्स और GS के पोर्शन के लिए कम्प्लीटली निर्भर रह सकते हैं। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या क्या डेटा है। तो झारखंड राज्य के प्रमुख नदियों की सिंचाई क्षमता में सबसे पहले इसको दो कैटेगराइज में बांटा गया है, वृहद सिंचाई परियोजना और लघु सिंचाई परियोजना। तो वृहद सिंचाई परियोजना में कौन कौन सी नदी आती है उसको देखेंगे, और लघु सिंचाई परियोजना में कौन कौन सी नदी आती है और उससे रिलेटेड कौन कौन सा जिला है उसको भी देखेंगे हम लोग। और उसकी जो सिंचाई करने की क्षमता है 1000 हेक्टर में उसको भी देखेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या कहता है, वृहद सिंचाई परियोजना में स्वर्ण रेखा नदी बेसिन जिसका सिंचाई क्षमता है 265,000 हेक्टर, कितना है 265,000 हेक्टर, जो पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावा। ठीक है, आप कमेंट करके बताएंगे ये तीन जिले किस प्रमंडल में पड़ते हैं और तो इससे प्रभावित होने वाले जिले कौन कौन से हैं, तो पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावा। दूसरा नंबर क्या कहता है बच्चों, तो दूसरा नंबर देखेंगे अजय नदी बेसिन, इसका जो क्षमता है 64,44,000 हेक्टेयर, और इससे जो इसका जो लाभ उठाते हैं वो दो जिले हैं, देवगढ़ और जामताड़ा। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं वृहद सिंचाई परियोजना में, तो गुमानी एवं कोवा भेना बेसिन जिसकी क्षमता है 16,19,000 हेक्टेयर, और इससे रिलेटेड जो जिसको लाभ मिलता है वो जिले हैं साहेबगंज और पाकुड़। तो अगला देखते हैं कोयल नदी बेसिन, उत्तरी कोयल नदी बेसिन जिसकी क्षमता है 44,74, और इससे रिलेटेड पलामू जिला जो इसका लाभ उठाते हैं। और चलिए अगला देखते हैं कौन सा है, तो अगला है दामोदर नदी बेसिन, क्या है दामोदर नदी बेसिन, ये 62,79, इसका जो कैपेसिटी है वो 62,79,000 हेक्टेयर है, और इससे रिलेटेड जिला जिस जो फ़ायदा उठाती है इस नदी बेसिन का वो है गिरिडीह। तो याद रखेंगे दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं फिर गंगा स्टेम बेसिन ये कितना है, तो 8,06, जिसका फ़ायदा गोड्डा जिला में मिलता है। तो इस तरह से हम जानते हैं कि जो वृहद सिंचाई परियोजना है इसमें कुल जो 1000 हेक्टेयर है जिसका सिंचाई क्षमता, उसमें टोटल कितना है, तो 461,76। ठीक है, डेटा पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देंगे, JSSC डेटा ज़्यादा पूछता है। चलिए आगे लघु सिंचाई परियोजना को देखते हैं, तो लघु सिंचाई परियोजना में सबसे पहले आती है दक्षिणी कोयल नदी बेसिन जिसका क्षमता है 29,46, और इससे रिलेटेड है जिला गुमला रांची लोहरदगा सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम। दूसरा क्या है, तो दूसरा देखेंगे स्वर्ण रेखा नदी बेसिन 8,27, ये रांची और खूंटी स्वर्ण रेखा से कौन सा जिला लाभ उठाता है, तो रांची और खूंटी। फिर तीसरे नंबर पे आता है खरकई नदी उप बेसिन जिसका क्षमता है 19,55,000 हेक्टेयर, इसका फ़ायदा उठाता है सरायकेला खरसावा और पश्चिमी सिंहभूम। फिर आता है दामोदर नदी बेसिन ऊपर भी पढ़े हैं, उसको वृहद में भी रखा गया है, लघु में भी रखा गया है, तो इसका क्या क्षमता है 4,08, और चतरा और हजारीबाग जिले को इसका लाभ मिलता है। ठीक है, बराकर नदी उप बेसिन इसका 9,03 है क्षमता, हजारीबाग और कोडरमा इससे लाभ लेने वाली दो जिले हैं। चलिए अगला देखते हैं पुनपुन नदी बेसिन। अब पुनपुन नदी बेसिन को देख लेते हैं, पुनपुन नदी बेसिन
जिसका क्षमता है 1.6, और इससे रिलेटेड जिला मेंशन नहीं किया हुआ है। तो पुनपुन नदी कौन से ज़िले में बहती है बताएंगे आप लोग कमेंट करके, और वही इसका जो लाभ उठाने वाला ज़िला होगा, एकमात्र ज़िला वही होगा। आई थिंक शायद गढ़वा है, ठीक है, पुनपुन नदी बेसिन एक बार देख लेंगे। और अगला क्या है, मयूराक्षी नदी बेसिन। मयूराक्षी नदी बेसिन का जो कैपेसिटी है वो 8000 हेक्टेयर है, जिससे रिलेटेड एक ही ज़िला है गोड्डा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, शंख नदी बेसिन, ठीक है, शंख नदी बेसिन 17.72, जो गुमला और सिमडेगा ज़िला को प्रभावित करती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो टोटल कैपेसिटी है लघु सिंचाई परियोजना का वो है 98.78। तो टोटल मिलाकर के जो कुल योगफल है वो 560.54 होता है, जो सिंचाई क्षमता झारखंड का है, ठीक है। तो इस ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट था, पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए इसको। और चलिए फिर वीडियो को क्लोज करते हैं बच्चों, शेयर करते रहिएगा, और जिनको भी PDF चाहिए होगा आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे। एक छोटा सा अमाउंट लेकर के आपको कंप्लीट PDF मिलेगा धीरे धीरे करके, बहुत छोटा सा अमाउंट है, बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है। और अगर आप PDF नहीं चाहते हैं तो इसको लिख भी सकते हैं अपने कॉपी में नोट्स बना करके, जो भी हम पढ़ाएंगे उसका PDF आपको प्रॉपर मिलते रहेगा, एक छोटा सा आप समझ लीजिए फी दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बंद करते हैं फिर इसको, और अपने अपने दोस्तों के बीच में शेयर करते रहिए। आप सभी को जोहार झारखंड, शाम को 5 बजे टेस्ट देने के लिए आ जाइएगा सभी। चलिए क्लोज करते हैं फिर वीडियो को।